शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा। जनपद में टोटल 30,240 परीक्षार्थी पुलिस परीक्षा देंगे, जिसको लेकर जनपद को 6 सेक्टरों में बांटा गया है और 16 स्टेटिक मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। आज प्रथम पाली की परीक्षा की शुरुआत के दौरान जनपद के जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। इस बाबत जिला अधिकारी ने बताया कि 16 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, सभी प्रबंधक पूरे कर लिए गए हैं और शासन की मंशा के अनुरूप परीक्षा कराई जा रही है। वहीं पुलिस अधीक्षक ने बताया कि परीक्षा की शुचिता बरकरार रखने के लिए सभी प्रबंध किए गए हैं। जनपद में आरक्षी परीक्षा के लिए हम लोगों ने टोटल 16 केंद्र यहां बने हैं और एक पाली में लमसम जो है 7,560 बच्चों की परीक्षा हो रही है। तो 2 दिन पहले इसकी हम लोगों ने मीटिंग की थी और शासन से भी इसकी समीक्षा बैठक हुई है। जनपद में तैयारियां पूर्ण हैं, तो हम लोग वही अभी सुबह सुबह राउंड पर हैं प्रथम पाली की परीक्षा की। किस तरीके से इंतजाम किया गया बच्चों जो परीक्षार्थियों के लिए स्पेशल सेंटर्स पे, क्या? अब इंतजाम देखिए पूरी तरीके से प्रॉपर है, जैसे पेयजल हो गया, पेन हो गया, जैसे उनकी कोई चीज़ अगर मिसिंग है तो हम लोगों ने परीक्षा केंद्रों पर ये निर्देश भी दिए हैं कि कोई अफरा तफरी ना मचे, अगर आवश्यकता है तो यहाँ पर पेन और बाकी जो आवश्यक सामग्री वो सब रखी जाए। जनपद में कुल मिला के 16 सेंटर्स पर ये कांस्टेबल रिक्रूटमेंट की परीक्षा हो रही है और प्रत्येक पारी में 7,000 कुल मिलाकर लगभग 30,000 अभ्यर्थी इसमें परीक्षा में सम्मिलित होंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के जो भी निर्देश हैं उन पे, उन निर्देशों के अनुसार, मानक के अनुसार हर जो सेंटर है उस पर पर्याप्त पुलिस पोस्ट लगाया गया है, जिसमें से लॉ एंड ऑर्डर का कंपोनेंट है, चेकिंग, फ्रिस्किंग और ये सारी चीज़ों के लिए सारी पुलिस की व्यवस्था की गई है। CCTV की व्यवस्था भी की गई है, अभ्यर्थियों को आने और जाने में परेशानी ना हो इसके लिए परिवहन विभाग से भी बात करके एक्स्ट्रा बसों की भी प्रबंध किया गया है। ट्रैफिक कंजेशन ना हो इतनी बड़ी भीड़ में, उसके लिए भी पर्याप्त पुलिस बल की व्यवस्था की गई है और हमें विश्वास है कि इस परीक्षा को बिल्कुल शुचिता के साथ हम लोग इसको संपन्न करवाएंगे।